बहरहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो अब जम्मू कश्मीर से आपको बता देते हैं। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। अस्सर इलाके में चल रहे एनकाउंटर के दौरान गोलियों और बमों की आवाज लगातार आ रही है। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक M4 गन भी बरामद कर लिया है और इसके साथ ही 3 बैकपैक भी जंगल से बरामद किए गए हैं। जंगल में 304 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। और जम्मू से ही संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज, देखिए पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में कुछ आतंकवादी जो छिपे हुए हैं, कुछ बैकपैक भी बरामद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए लक्ष्मी, कल ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आई थी कि डोडा का जो असर इलाका है उसके बीच में पत्नी टॉप के साथ में जो जंगल का एरिया पड़ता है वहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद कल 6:30 बजे दोनों तरफ से ये फायरिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके बाद पूरी रात वहाँ पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलता रहा और आज सुबह एक बार फिर शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया गया है वहाँ पर सेना को M4 गन जो है वो बरामद हुई है, इसके साथ ही साथ 3 बैकपैक्स जो है वो भी बरामद हुए हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको बुलाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इस जो ये बैग्स हैं इसमें कुछ विस्फोटक जो हैं वो यहाँ पर रखे तो नहीं हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि लगातार सेना के पास इस तरह के इनपुट हैं कि जो डोडा का एरिया है वहां पर ये आतंकी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले डोडा का ही लाल द्रमन एरिया था वहां पे। चलिए शहनवाज, आप नजर बना के रखिएगा। अस्सर इलाके में चल रहे एनकाउंटर के दौरान गोलियों और बमों की आवाज लगातार आ रही है। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक M4 गन भी बरामद कर लिया है और इसके साथ ही 3 बैकपैक भी जंगल से बरामद किए गए हैं। जंगल में 304 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। और जम्मू से ही संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज, देखिए पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में कुछ आतंकवादी जो छिपे हुए हैं, कुछ बैकपैक भी बरामद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए लक्ष्मी, कल ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आई थी कि डोडा का जो असर इलाका है उसके बीच में पत्नी टॉप के साथ में जो जंगल का एरिया पड़ता है वहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद कल 6:30 बजे दोनों तरफ से ये फायरिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जिसके बाद पूरी रात वहाँ पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलता रहा और आज सुबह एक बार फिर शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया गया है वहाँ पर सेना को M4 गन जो है वो बरामद हुई है, इसके साथ ही साथ 3 बैकपैक्स जो हैं वो भी बरामद हुए हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको बुलाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इस जो ये बैग्स हैं इसमें कुछ विस्फोटक जो हैं वो यहाँ पर रखे तो नहीं हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि लगातार सेना के पास इस तरह के इनपुट हैं कि जो डोडा का एरिया है वहां पर ये आतंकी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले डोडा का ही लाल द्रमन एरिया था वहां पे। आप नजर बना के रखिएगा।